जिसका बेटा मरा है, उस माँ से पूछिए आप लोग, आप उसको दिग्भ्रम कर रहे हो, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो केवल, और सांप्रदायिकता फैला फैला करके तुमने कभी पुलवामा के 50 लोगों को मरवाया, 50 लोगों, हाँ 24 घंटे के लिए, नकली 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 जो असली हथियारों को दबाने के लिए, मेरी जान जब तक रहेगी तब तक सांप्रदायिकता नहीं होने दूंगा। सांप्रदायिकता फैला के हरियाणा का चुनाव जीतना चाहते हो, महाराष्ट्र का चुनाव जीतना चाहते हो, दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हो, नहीं, ये हत्या हुई है, ये राजनीति के तहत में हत्या हुई है। मैं समझता हूँ एक मौलाना हो जाना चाहिए, संत का खिताब आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस समाज के संत हैं उसके लिए इस तरह की बातें करते हैं, उसमें जहर घोलने का काम करते हैं, दिशा भ्रमित करने का काम करते हैं। जिसका बेटा मरा है और वो चीख चीख के कह रही है कि मुसलमानों ने नहीं मेरे बेटे को बीजेपी वालों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने मारा है, उस बात को नहीं देखा जा रहा। अभी तक शिव कुमार और योगी से क्यों ना पूछताछ हुई, उनसे त्याग पत्र क्यों नहीं दिया गया, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, हर बात में मुसलमान मुसलमान, मुसलमानों को मार दीजिए ना, मुसलमानों को देश से भगा।